बेंद्रा खेत खेत के मर जात हन गा, वो तो बेरा खेत खेत के रात के मर जात है। कहाँ करा? हमर टिकरा में डोली करा। का लगाया हो जो? धान। यूं तो किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं कंपनियों द्वारा भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन, तो कहीं खदानों के कारण सूखे का सामना करना पड़ना। साथ ही जंगलों के पास स्थित गांवों में जंगली जानवरों द्वारा खड़ी फसल को बर्बाद करना, इसी प्रकार की समस्या ग्राम सरेपाली एवं गौरमुड़ी में लगभग 35 किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं छोटा सा किसान हूँ और आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुआ है, अतः मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि कुछ उचित मुआवजा देने की कृपा करें। पूरी तरह से फसल का बहुत नुकसान हुआ है और फसल काटने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सबको इधर उधर इसमें मतलब रौंद कर सोए भी हैं और इधर उधर पूरा गिरा है। कितना ज़मीन होगा जिसमें फसल बर्बाद हुआ है? ये तो लगभग दोनों खेत मिला के 1 एकड़ का होगा लगभग। कितना धान हो जाता था इसमें? इसमें वही 30 बोरा लगभग हो जाता है। वन कर्मी आए थे यहाँ और मुआयना करके गए हैं, फोटो वोटो खींच के ले गए हैं। उनका क्या कहना है? वो कह रहे थे कि जंगली हाथी के द्वारा जो फसल का नुकसान होता है उसमें 1 एकड़ में 12,000 का मुआवजा का प्रावधान है, तो इसमें भी जैसे मुआवजा का प्रावधान रहेगा जंगली सुअर के बर्बाद करने से जो मुआवजा रहेगा, तो उसके हम आगे बढ़ाएंगे और आपको उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे बोले थे। इसका कोई समय सीमा बताए हैं? वो तो ऐसे बताए नहीं हैं और लिख के ले गए हैं और फोटो तो खींच के ले गए हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे कहकर बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। तमनार ब्लॉक के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री आर के सिंह सिसोदिया को 9893-72-47-40 पर फोन कर दबाव बनाएं ताकि किसानों को नुकसान हुए फसल का उचित मुआवजा मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।